नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के इस लाल ने कर दिखाया कमाल। अपनी कारीगरी के बलबूते पर बिना अपॉइंटमेंट जा पहुंचा देश के प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस कारीगर की कलाकारी देख तुरंत दे दिया मिलने का समय। लकड़ी के इस कारीगर ने प्रधानमंत्री को भेंट की लकड़ी की बाइक, जिसे स्वीकार कर मोदी ने कारीगर को धन्यवाद देते हुए किया विंध की माटी को सलाम। इस कारीगर ने फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन को भी अपनी कारीगरी भेंट की है। अब अभिनेता अक्षय कुमार के लिए लकड़ी का एक मंदिर बना रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रीवा जिले के कुशल कारीगर बुद्धसेन विश्वकर्मा की, जिनने अपनी कारीगरी से भारतवर्ष में अपनी पहचान कायम की। द खबरदार न्यूज से पंडित सचिन शर्मा सूर्या के साथ आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं लकड़ी के इस जादूगर से। विभिन्न विषयों पर द खबरदार न्यूज से सीधी बात, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन सूर्या। कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपनी जन्मभूमि, अपना प्रदेश, देश और राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम रोशन करता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है भारत के, देश के एक प्रख्यात कलाकार जो लकड़ी के एक अच्छे कारीगर है, बुद्धसेन विश्वकर्मा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर उनके पास ये कला कैसे आई, उनके मन में ये विचार कैसे आया। तो सबसे पहले बुद्धसेन जी, आपका खबरदार न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार सर। हमारा एक सबसे पहला आपसे सवाल है कि आपने कला के क्षेत्र में जो काम करना प्रारंभ किया, जी, ये आपको विचार आपके मन में कहां से आया? सर वैसे तो मैं काम करता ही रहता था बचपन से, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ऐसी कल्पनिक, मतलब कोई भी चीज मान लीजिए, कोई चीज देख लिया है मन में आ गया बनाना है, तो उसको अपन कोशिश करा करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से अपन बनाते। लकड़ी के कई कलाकार हैं जी, लेकिन ये जो अलग प्रकार की कलाकारी आप करते हैं, जी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जो अंदर से निकल गई, अपने अंदर से, अंदर आत्मा से। आप किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं इस काम को लेके, जिससे आपने ये सीखा हो, या अपने आप सीख गए आप? नहीं सर, से हमारे जानकारी में तो हमारा प्रेरणा स्रोत तो कोई नहीं, हमारे मन है। बहुत अच्छा आपने बोला। अभी वर्तमान में एक मीडिया के माध्यम से भी जानकारी हुई कि आपने एक लकड़ी की बाइक प्रधानमंत्री जी को भेंट की है। ऐसे और भी कुछ वीआईपी होंगे जिनको आपने कुछ अपनी विशेष कलाकृति दी होगी, तो जरा दर्शकों को बताइए क्या क्या कलाकृति और किन किन वीआईपी को आपने भेंट दी है। सर उसे मैं शुरू में दिग्विजय सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनको मैंने बैलगाड़ी दिया था, पंजाब बनाकर दिया था, यही हमारे जयपुर आए थे, और गौर को भी मंदिर दिया हम बना करके, अमिताभ बच्चन को गणेश दिया हम बना करके, अब एक मंदिर रखा है तो सोच रहा हूँ अक्षय कुमार को दूं, है ना। मतलब आगे की आपकी योजना है फिल्म इंडस्ट्री के बिल्कुल जो हीरो है उनको जी, लाल डाउन नहीं होता तो बिल्कुल जाता ही जाता। आपके जीवनोपार्जन जी का स्रोत क्या है? कुछ नहीं सर, हमारा जीवन कुछ नहीं, बस एक काम करो बस हो गया। आपका जीवनोपार्जन कहने का मतलब है कि आप अपना जीवन यापन क्या यही काम करके करते हैं? जी सर, हाँ यही काम करते हैं। आपके आय का साधन यही लकड़ी की कारीगरी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कई बातें आपने मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से, खबरदार न्यूज के माध्यम से शेयर की। आपका कहना है कि ये कला स्वयं आपके मन से निकली, किसी से आपने सीखी नहीं, आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने मन के भाव से वो कला निकली। पर आप एक अच्छे कलाकार हैं, अन्य जो कलाकार हैं उनके लिए आप वास्तव में एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं, तो उन कलाकारों को आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं उसे कलाकार तो नहीं हूँ, और क्या है कि मैं तो काम सीखता रहता हूँ आपसे, ईमानदारी का बताऊँ, और जो आगे लोग काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा करूँ,
तो सर मैं एक छोटा सा कलाकार मतलब मिस्त्री हूँ कुल मिलाकर के। देखिए एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अपनी कारीगरी के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले एक कलाकार का वास्तव में क्या कहना है, आपने भी सुना, उनका कहना है कि हम अभी सीख रहे हैं। आप किसकी आराधना करते हैं? हम तो हमारे यहाँ पर देहरादून से बजरंगी बली और माँ देवी शारदा मैया सुबह शाम राम। आप बजरंग बली और शारदा मैया के साधक हैं, आगे चलकर इस क्षेत्र में आपका क्या विचार है? इस क्षेत्र में विचार है कि मतलब और आगे में कुछ करूँ, रक्षा करूँ। क्या क्या कर क्या करने की योजना है? करनी बस ये लकड़ी का कुछ 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 मतलब मूर्तियाँ मूर्तियाँ बनाने की। एक तो हमारे यहाँ लकड़ी भी नहीं मिल पाती है, खमार की लकड़ी भी पड़ती है मूर्ति वगैरह बनाने में, तो वो भी जुज भी मिल जाती है तो उसको रख लेते हैं, ले लेते हैं। यही मूर्ति बनाने का विचार था कि अभी कुछ ना कुछ मूर्तियाँ बनाओ। बस जैसा कि आपने देखा कि हमारे रीवा जिले के स्थायी निवासी हैं आप, काफी समय तक जबलपुर में रह के आप वहाँ काम करते थे, अब पुनः अपने माटी अपनी भूमि में आप आ गए हैं। बघेल खंड की बोली एक बघेली है। जी जी बहुत अच्छी। और बघेली आपको कैसी लगती है और बघेली के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमको बहुत अच्छी लगती है बघेली, और हमको बघेली से अच्छी कोई भाषा नहीं लगती है। हमारे रीवा राज्य की बहुत अच्छी भाषाएं हैं। बघेली भाषा को लेके आपकी कारीगरी में कोई आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि आप बघेली के लिए कुछ बनाएंगे जिससे बघेली और आपकी कारीगरी साथ में जुड़ के जनता के सामने आए? देखिए साहब क्या है कि हमारे यहाँ बघेली में रीवा जिले में हमारे विंध्य प्रदेश में क्या है कि यही चलती खटिया मछलियाँ है ना, यही चलता है बघेली में। भाई दो चार लोग बाहर जाते हैं शाम को किसानों के यहाँ बैठने की खटी मछलियाँ निकाल दी, खटिया निकाल दिया, हो गया बस यही है। चलिए खबरदार न्यूज से आपने बात की, अपने विचार साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली शॉप किसी ग्वालियर में है, ये उसी को देख के हमने बनाया था। अच्छा, और एक ये है का क्या है, ये क्या बना है, काहे की नाम तो मेरे को भूला है, डायरी में लिखा है। अच्छा सोपी से ये भी है। अच्छा और एक ये है जैसे नहा के निकली है जी नीले कपड़े में जी जी, और ये तो राधा कृष्ण की है। अच्छा राधा कृष्ण। हाँ ये मंदिर जो दिख रहा है ये सामने, एक कैसे किसके लिए बना है ये मंदिर? बनाया था कि देना है मतलब किनके लिए? ये सोता हूँ अच्छा कुमार को देने के लिए, उनसे उनके लिए ड्रा जाइए। अच्छा ये बढ़िया चलता है, ये चार अभी जब हवा चलती है बढ़िया चलता है। गणेश जी की अंदर मूर्ति है। हाँ ये निकला है ना, दिखा दीजिए बाहर आगे। ये गणपति जी है जो ये भी आ गए यहाँ पे, कचरा बहुत बैठ गया। नहीं अगली बात नहीं।